आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सारा उत्तराखंड एक साल में रेगुलर पुलिस को सौंपे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक वर्ष के भीतर उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी। हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा बुकिंग आज से। हेमकुंड साहिब के लिए हेली टिकटों की बुकिंग बुधवार से शुरू हो रही है। टिकट बुकिंग रेलवे की कंपनी IRCTC की वेबसाइट के जरिए होगी। कंपनी ने अपनी अधिकृत वेबसाइट पर दोपहर 12 बजे से टिकट बुकिंग शुरू होने की जानकारी दी है। आज़ादी के लिए लिविन में रहना चाहता है हर दूसरा भारतीय युवा। तो भारतीय युवाओं में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक हर दूसरा भारतीय युवा शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। हालांकि हाल में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे समाज के लिए कलंक बताते हुए कहा था कि यह भारतीय मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत आयातित दर्शन है। खटीमा में वन्य जीव के हमले में बुजुर्ग की मौत। बुढ़ापाग गांव में वृद्ध की वन्य जीव ने मार डाला। बाघ के हमले की आशंका जताई जा रही है। वृद्ध का छत विछल शव खटीमा रेंज के कक्ष संख्या 8 में सनिया नाले के पास मिला है। वृद्ध 5 दिन से लापता थे। मौके पर मिले कपड़ों और थैले से परिजनों ने शिनाख्त की। शव की स्थिति बेहद खराब होने के कारण उसे पोस्टमार्टम के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया है। छेड़छाड़ से तंग सातवीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा। तो खटीमा में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मंचले की छेड़खानी और धमकी से तंग आकर स्कूल जाना छोड़ दिया है। मंचले ने मामले की शिकायत करने पर पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी है। छेड़छाड़ के खौफजदा छात्रा एक माह से स्कूल नहीं जा रही थी। शिक्षकों की सजगता से मंगलवार को पीड़िता के पिता ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी की धरपकड़ हो गई है। आग बुझाने में मदद नहीं की तो जेल। तो जंगलों की आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग नहीं करने पर जेल हो सकती है। जंगलों का लाभ लेने वाले ग्रामीणों और सरकारी कर्मचारियों पर वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई होगी। उत्तराखंड का महंगाई दर को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन। तो महंगाई दर को उत्तराखंड को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड ने देश भर में अच्छा प्रदर्शन किया है। बीते 6 महीने में जहां कई राज्यों में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, वहीं उत्तराखंड में यह आंकड़ा 3.6% पर ही बनाए रखने में सफलता पाई है। बिना पंजीकरण वालों को भी दर्शन कराने की व्यवस्था बनाएं। तो चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की मंगलवार शाम को सचिव में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को बिना पंजीकरण वाले श्रद्धालुओं को भी दर्शन कराने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को निर्देश दिए कि ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाएं बनाएं, श्रद्धालु सुखद संदेश लेकर वापस जाएं, ये सुनिश्चित कराया जाए। सुविधा प्रशिक्षण केंद्र में DL की परीक्षा दे सकेंगे। तो ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने के लिए अब RTO दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग सरकार द्वारा अनुमोदित मोटर प्रशिक्षण केंद्रों में ही टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कर पाएंगे। विमान से टकराए फ्लेमिंगो का झुंड, 39 पक्षियों की मौत। घाटकोपर इलाके में फ्लेमिंगो राजहंस पक्षियों का झुंड लैंड कर रहे विमान की चपेट में आ गया। हादसे में 39 राजहंसों की मौत हो गई। गर्भगृह से बाबा केदार के दर्शन फिर शुरू। केदारनाथ में मंगलवार को बाबा के 38,682 भक्तों ने गर्भगृह में आराध्य के दर्शन किए। भारी भीड़ के बावजूद बद्री केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने सभी भक्तों को 12 घंटे तक गर्भगृह से दर्शन कराए। बाजार पूंजी पहली बार 5,00,000 करोड़ डॉलर पार पहुंचा। भारत की कामयाबी की कहानी में नारी शक्ति की अभूतपूर्व भागीदारी। तो नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में कहा, जब आपके बिना घर नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कैसे बीते 10 वर्षों में भारत की कामयाबी की कहानी में नारी शक्ति की अभूतपूर्व भागीदारी रही है। सरकार की नीतियों से लेकर निर्णय तक में पहली बार हमारी माताएं बहनें हैं। आयुर्वेद डिप्लोमा कोर्स प्रवेश के लिए आयु सीमा में मिलेगी छूट। भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी आयुर्वेद कॉलेजों में विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए नई नियमावली बनाने की कवायद चल रही है। इस समय आयुर्वेद कोर्स में दाखिले के लिए युवाओं को आयु सीमा में छूट मिल सकती है। एक साल में पूरे प्रदेश में करें रेगुलर पुलिस की व्यवस्था। 15,000 रिश्वत लेता वन दरोगा गिरफ्तार। तो पौड़ी से खबर आई है, विजिलेंस की टीम ने 15,000 रिश्वत लेने के मामले में आरोपी वन दरोगा को मंगलवार को गिरफ्तार किया। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप तय हुए। तो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में चलेगा मुकदमा। विनोद तोमर पर भी धमकी का केस है। भीषण गर्मी का कहर, 10 राज्यों में लू का अलर्ट। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और मैदानी राज्य पंजाब उत्तर समेत उत्तर पश्चिम व पूर्वी भारत के कम 10 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में पारा 47.8 डिग्री रहा, जो देश में सर्वाधिक है। सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ेंगे राज्य आंदोलन का इतिहास। तो उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे राज्य आंदोलन के इतिहास के साथ ही कारगिल के बलिदानियों को पढ़ेंगे। वर्ष 2022 में सीएम धामी की घोषणा के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने हमारी विरासत और विभूतियाँ पुस्तक तैयार की है। इसे कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में निर्मित 12 दवाएं मिली अधोमानक। महंगाई में कमी, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून। तो 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के साथ नए कानूनों को लागू करने से पहले सभी राज्यों के स्तर पर अब तक की तैयारी के बारे में प्रगति जानी। 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू होने हैं। उत्तराखंड में सामूहिक कन्या विवाह योजना होगी शुरू। समस्याओं का एकल पदधारा कर्मियों की बैठक 24 मई को होगी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा, 30 से अधिक नए मुकदमे दर्ज कराएगी SIT। वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया। पेयजल के नाम पर पानी भरकर निर्माण कार्य के लिए आपूर्ति कर रहे हैं निजी टैंकर। 40 डिग्री से नीचे आया दून का तापमान। तो बीते 4 दिनों से तेवर दिखा रहा है दून का तापमान। मंगलवार को 40 डिग्री से नीचे आ गया। इससे झुलसाने वाली गर्मी से थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन अगले कुछ दिनों में फिर तापमान बढ़ सकता है। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के आसार। तो पर्वतीय प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में आज बुधवार हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। नगर निगम कार्यालय पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तो कर्मचारियों ने कंपनियों पर लगाया वेतन न देने और शोषण करने का आरोप। तो समय पर वेतन नहीं मिलने और शोषण का आरोप लगाते हुए कर्मचारी ने नगर निगम कार्यालय में जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। देहरादून शहर में घर घर कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम ने इकॉन वाटर ग्रेस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी की ओर से गाड़ी पर ड्राइवर और हेल्पर लगाए गए हैं। मंगलवार को दोनों कंपनियों से जुड़े कर्मचारी नगर निगम कार्यालय में एकत्र हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आतिथ्य सुविधाओं का स्व मूल्यांकन करेंगे कारोबारी। स्कूली वाहनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। अंश की शानदार बल्लेबाजी से जीती लखनऊ की टीम। दून के सत्यम को इमर्जिंग इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ। पतंजलि विश्वविद्यालय की टीमों ने जीता स्वर्ण पदक। उत्तराखंड PCS के इंटरव्यू 3 जून से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समिति
सम्मिलित राज्य शिविर अधिक सेवा परिषद द्वारा 21 के साक्षात्कार 3 जून से कराएगा। आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग सचिव जी एस रावत के मुताबिक पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष 23 से 26 फरवरी के बीच हुई थी, जिसका परिणाम 27 फरवरी को जारी किया गया था। इनमें 890 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। अभ्यर्थियों में समेकित पद और विशेष अर्हता वाले पदों के सापेक्ष कुल 288 अभ्यर्थियों का तृतीय चरण में साक्षात्कार होगा। यह 3 से 19 जून के बीच आयोग के हरिद्वार स्थित कार्यालय में होगा। अर्य अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन साक्षात्कार ज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से डाक से ज्ञापन नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सभी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों से सत्यापन कराते हुए उपस्थिति होना है। पहला सत्र सुबह 9 बजे से और दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से होगा। पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को आयोग ने दिया परीक्षा का मौका। तो उत्तराखंड चयन आयोग ने वन विभाग स्केलर भर्ती परीक्षा दक्षता परीक्षा में अपरिहार्य कारणों से वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि स्केलर के 200 पदों के लिए 5 जिलों अल्मोड़ा पौड़ी उत्तरकाशी पिथौरागढ़ टिहरी में 15 से शारीरिक मापजोक परीक्षा आयोजित की जा रही है। पिथौरागढ़ में 21 मई और उत्तरकाशी में 27 मई को परीक्षा होनी है। कुछ अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य खराब होने जैसे अपरिहार्य कारणों से इन परीक्षाओं पर शामिल होने से असमर्थता जताई है। तय किया गया है कि पिथौरागढ़ के ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापजोक के लिए 22 मई व दौड़ के लिए 23 मई को मौका मिलेगा। उत्तरकाशी के शारीरिक दस्ता परीक्षा 28 मई और दौड़ 29 मई को कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी इन तिथियों पर नहीं आएंगे उन्हें इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। यूओयू में 1 जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट uou.ac.in पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि विश्वविद्यालय में कुल 110 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो भारतीय वायुसेना में 304 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो असिस्टेंट कमिश्नर टेस्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटीएम में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 141 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ इंस्पेक्टर आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। DGFT में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पल्टन बाजार से फाड़ रेडी वालों को हटाया। कुंवर परसून और मंगसिरी देवी को मरणोपरांत हिमालय प्रहरी पुरस्कार मिला। एम्स में महिला चिकित्सक से नर्सिंग ऑफिसर ने की छेड़खानी, निलंबित। तो एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन के दौरान महिला चिकित्सक से छेड़खानी की। घटना से JR और SR आक्रोशित हो गए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को आरोपी की अभिरक्षा में लेने के लिए करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एम्स प्रशासन ने चिकित्सक को निलंबित कर दिया है। एम्स प्रशासन ने नकल मामले के आरोपियों पर बैठाई जांच। तो एम्स की MD प्रवेश परीक्षा में नकल कराने से संबंधी मामले में एम्स प्रशासन ने आरोपी JR व इंटर्नशिप कर रहे छात्र के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक कक्षाओं के दिव्यांग छात्रों को भी परीक्षाओं में मिलेगा अतिरिक्त समय। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के दिव्यांग छात्राओं की तरह अब कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं जो बच्चे लिखने में असमर्थ हैं वे श्रुत लेखन लेखक की मदद ले सकते हैं। जागरूक न हुए तो आने वाली पीढ़ी को पाने के लिए लड़ना होगा। नगर निगम का करोड़ों रुपए खर्च लेकिन नहीं दूर हुआ कूड़े का मर्ज। मरीन बस्तियों को नोटिस देने के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को किया याद। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया।
चार वर्षीय मासूम पर गुलदार का हमला, चार दिन में दूसरी घटना। तो श्रीनगर से खबर रही है, नगर में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जहां डांग में गुलदार ने एक बच्चे की जान ले ली थी, वहीं मंगलवार को नगर के श्रीकोट गंगा नानी में देर रात एक से चार साल की मासूम बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया। परिजनों ने किसी तरह उसे गुलदार के चंगुल से बचाया। गुलदार के हमले से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई है। पीजी कॉलेज गोपेश्वर की बीएड छात्राओं का सांस्कृतिक पांडवाज टीम का गीत कांधी माँ धरेली या राधा खेरी की गंजली पर किया गया नृत्य सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है। नृत्य को तीन दिन में ही इंस्टाग्राम पर 4 लाख, फेसबुक पर 1 लाख और यूट्यूब पर 20,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। गीत असिस्टेंट प्रोफेसर हिमांशु बगुणा के निर्देश और कोरियोग्राफी में गोपीनाथ मंदिर के समीप रामलीला मैदान में फिल्माया गया है। इसमें बीएड की 33 छात्राओं ने नृत्य किया है। गोदी छोटी गांव और सिलगाड़ में लगी आग, आंधी से 2 मकानों पर गिरा पेड़, लोगों ने भागकर बचाई जान। तो देवाल गुजर से खबर है, ओलावृष्टि से फसलों को और फलों को नुकसान हुआ। तो नौगांव से खबर रही है, खांकरा से डुंगरी पंथ के बीच 5 किलोमीटर एस्केप टनल का हुआ ब्रेक थ्रू, 2 महीने में ही उखड़ा 2.40 करोड़ का डामर। तो उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी जिले के वन प्रभाग में जले सबसे ज़्यादा जंगल। चमोली की भावी शिक्षिकाओं का लोक नृत्य सोशल मीडिया पर छाया। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की बीएड छात्राओं का पांडवाज के गीत राधा पर किया गया लोक नृत्य सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सांसद बंसल ने मंदिर में कराया अनुष्ठान, अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रक चालक की मौत हो गई। वही खबर है, देवाल से मकान पर पेड़ गिरने से 4 घायल, 1 रेफर किया। नेहा का लेफ्टिनेंट पद के लिए चयन हुआ। तो नई टिहरी से खबर है, नरेंद्र नगर ब्लॉक के ग्राम पिपलेत निवासी नेहा भंडारी का चयन भारतीय सेना की मेडिकल नर्सिंग विंग में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। बिगड़े हालात लमगड़ा में पानी बांटने को पुलिस तैनात। तो अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराने लगा पानी का संकट। लमगड़ा में पानी बांटने के दौरान पैदा हो रही विवाद की स्थिति, सोमेश्वर में मिलों दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं 200 परिवार। रानीखेत में गहराया पानी का संकट, स्रोत सूखे, महिला ने लगाई फांसी, पति सहित 4 पर केस। तो रानीखेत से खबर, दूरस्थ राजस्व गांव में मायका आई एक महिला ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। गर्भ में नवजात की मौत की जांच के आदेश दिए। वहीं खबर है, बागेश्वर से खेत में काम कर रही महिला को सांप ने डसा। सेनार में युवती पर झपटा गुलदार, ट्रैप कैमरे लगाए। तो अल्मोड़ा से खबर है, हवालबाग विकासखंड के ग्राम पंचायत सेनार में रविवार गुलदार ने युवती पर हमला कर दिया, इससे गांव में दहशत का माहौल है। घटना के बाद हरकत में आए वन विभाग ने गुलदार की मूवमेंट जाँचने के लिए ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं। कारोबारी से एंटीक पीस के नाम पर 26 लाख की धोखाधड़ी। तो अपर उप निरीक्षक पुष्कर सिंह चौहान को मामले की जांच सौंपी गई है। सोशल मीडिया पर दोस्त बन छात्र से मांगे 2 लाख रुपए। तो लुड़की से खबर है, मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मारपीट के आरोप में 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। फाइनेंस कर्मी की आंखों में मिर्च डालकर 1.75 लाख रुपये लूटे। सुल्तानपुर से किया वारंटी को गिरफ्तार। लक्सर में सड़क दुर्घटना में हुई अधीर की मौत। भगवानपुर में 2 गोवंश को मुक्त कराए। कोल्ड ड्रिंक में कीड़ा मिलने की शिकायत पर छापा। तो रुड़की से खबर है, कोल्ड ड्रिंक में कीड़ा की शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक दुकानदार पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग 6 सैंपल भरे। जांच रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कंपनी में लगी आग पर 15 घंटे में पाया काबू। रुड़की में व्यापारी को गोली मारकर बदमाश फरार हुए। 33 दिन से लगातार रद्द ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। शहर के चौराहे चौड़े करने में छूट रहे लोकनिर्माण विभाग अफसरों के पसीने। तो हल्द्वानी से खबर रही है,
1.5 लाख की इसमें के साथ एक को दबोचा। शादीशुदा ने नाबालिग से किया दुष्कर्म मुकदमा। तो लाल कौन सी खबर आई है, बिंदु खता क्षेत्र में गोला नदी के पार एक गांव की 8वीं की छात्रा के साथ दो बच्चों के पिता ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। मंगलवार दोपहर स्कूल से लौट रही इस छात्रा का घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी बाइक में बैठा दिया था। शाम को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार बिंदु खता के एक स्कूल से छुट्टी के बाद नाबालिग पीड़िता अपने दो अन्य साथी छात्राओं के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार आरोपी युवक ने घर छोड़ने का झांसा देकर तीनों छात्राओं को बाइक में बिठाया। दो छात्राओं का घर पहले पड़ने पर आरोपी ने उन्हें रास्ते में उतार दिया। आरोप है कि पीड़िता को युवक जबरन जंगल में ले गया और उससे दुष्कर्म किया और नाबालिग को जंगल में छोड़कर भाग गया। फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव। तो पहाड़ पानिया में एक मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले जगन्नाथ विश्वास निवासी पीलीभीत यूपी का शव मंगलवार को संदिग्ध हालत में कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। बिना पंजीकरण चल रहे दो होटल सील किए। तो नैनीताल से खबर है, कैची धाम में 6 होम स्टे और होटल और होम स्टे के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वही खबर, येलवा घाट से गुरु सेंटर के ऊपर रेस्टोरेंट का विरोध किया। जीआईसी मऊ में आराध्य तत्वों ने तोड़फोड़ की। धारचूला में विद्या मंदिर के मेधावी छात्र सम्मानित किए गए। गंगोली हाट पीएम श्री स्कूल में पढ़ाने को शिक्षक नहीं तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज को वर्ष 2020 में शासन की ओर से पीएम श्री कर दिया गया। 4 साल बीतने के बाद भी विद्यालय में अध्यापकों की कमी, शिक्षा छात्राओं का भविष्य संकट में है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिए जाने पर अध्यापकों में आक्रोश है। पूर्व विधायक ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री से पहले ही हो गई कला। एक समान होंगे शारीरिक मानक। तो उस विभिन्न विभागों में वर्दीधारी या पदों के लिए होने वाली भर्ती में शारीरिक परीक्षा के मानकों को एक समान किया जाएगा। इसके लिए कार्य विभाग ने विशेष सचिव गृह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पूर्णागिरी जा रहे 18 श्रद्धालु हादसे में घायल हुए। सबसे ज़्यादा सेवा वाले शिक्षकों का तबादला पहले तो राज्य के सरकारी स्कूलों में LT शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के SOP का खाका तय हो गया है। इन तबादलों में सर्वाधिक सेवा अवधि वाले शिक्षकों को सबसे पहले मौका मिलेगा। दोनों मंडलों में विषयवार शिक्षकों के बराबर संख्या में तबादला होंगे। मंडल में 5 साल सेवा अनिवार्य होगी। तो अंतरमंडलीय तबादले के लिए शिक्षक की अपने मंडल में न्यूनतम 5 साल की सेवा अनिवार्य होगी। तबादले विषयवार होंगे। यदि किसी विषय में कुमाऊं मंडल में हिंदी विषय के 10 शिक्षक से शिक्षक अंतरमंडलीय तबादले के लिए आवेदन करते हैं जबकि गढ़वाल मंडल में केवल 5 शिक्षक ही तबादले के लिए आवेदन करते हैं, इस स्थिति में कुमाऊं के भी 5 शिक्षकों का ही तबादला होगा। वनाग्नि बुझाने में सहायता नहीं की तो हो सकती है जेल। कैफे ब्लास्ट में 11 जगह NIA के छापे। बिना बंधन वैवाहिक जीवन का अनुभव चाहता है हर दूसरा युवा। छपरा में चुनाव के बाद हिंसा में एक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने की राह पर। 15 मिनट के अंधड़ ने किसानों की कमर तोड़ी। 10 घंटे बिजली का फॉल्ट खोजते रहे कर्मी। रीठा साहिब में 3 दिनी जोड़ मेले का शुभारंभ हुआ। लकड़ी तस्करी के आरोपी 6 साल बाद गुजरात से पकड़ा। सरकार चारधाम यात्रा प्राधिकरण पर आगे बढ़ी। सांसद बंसल ने नरसिंह मंदिर में कराया अनुष्ठान। पंजीकरण कराने के बाद ही यात्रा पर निकले। होटल ढाबों का रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा। केदारनाथ मंदिर दर्शन को 20 घंटे खुला रहेगा। चारधाम रूट की सहायक सड़कों का होगा चौड़ीकरण। IG ने धामों को लेकर बनाई रिपोर्ट। हेली सेवा के श्रद्धालुओं को जल्द दर्शन पर बनी सहमति। प्राकृतिक के साथ सामाजिक पर्यावरण भी बचाना होगा। देहरादून में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। 47 वार्डों से नहीं उठा कूड़ा। दून का पारा 40 से नीचे आया।
दून में स्कूल बस वैन का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। बाल आयोग ने स्कूल को दिए फीस लौटाने के निर्देश। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में अतिरिक्त समय मिलेगा। होटल रिजॉर्ट होम स्टे को सस्ता रेटिंग मिलेगी। मेडिकल छात्रों को स्टडी रूम की सुविधा। देहरादून में हाल में तैनात जजों का स्वागत किया। गर्मी में वकीलों को काला कोट पहनने से छूट मिले। संघ 65 शिक्षकों को देगा विदाई। उत्तराखंड के 7 आईटीआई में इस वर्ष शुरू होंगे नए ट्रेड। तबादला रुकवाने को फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। तो शिक्षा विभाग में तबादलों से बचने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाने की बात सामने आई है। ट्रायल में 485 खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। हाईकोर्ट की बेंच गैरसैंण में स्थापित करने की मांग की गई। श्रीनगर में पानी के लिए उपभोक्ता परेशान हुए। पौड़ी में बंद पड़े 4 घरों में लगाई सेंध। खांगरा में खांगरा से और डुंगरी पथ के बीच टनल का ब्रेक थ्रू। पौड़ी में विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए दरोगा को पकड़ा। श्रीनगर में 24 घंटे गश्त रहेगी। पुरोला डिग्री कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। 2 अफसरों को नोटिस, 1 का वेतन रोका। दून में बस्तियों के मुद्दे पर सरकार रास्ता निकालेगी। खलंगा में बिना अनुमति छीले पेड़ होगी कार्रवाई। 3 पानी पुलिया पर चेक पोस्ट, हरिद्वार रोड पर शिफ्ट। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस की श्रद्धांजलि। एम्स में डॉक्टर से छेड़छाड़ पर नर्सिंग अफसर सस्पेंड हुआ। हरकत के बाद मनोरोग वार्ड में भर्ती हो गया अफसर। चावल में मिलावट की लोगों की आशंका को दूर किया। त्यूनी बाजार में आफत बनी जाम की समस्या। रूटीन टेस्टिंग के लिए 9 दिन होगी बिजली कटौती। तो हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पेड़ काटने का विरोध किया। ड्रोन स्पेशल ब्लड सैंपल वायल लाया। मानसून सीजन नज़दीक, बाढ़ सुरक्षा कार्यों का आता पता नहीं। बिजली पानी के लिए लड़ रही जनता, राजनीतिक दल गायब है। मरम्मत के नाम पर जमकर बिजली काटी। हल्द्वानी निगम की वोटर लिस्ट में दर्ज होंगे 7,789 नए नाम। ये हैं 12वीं फेल के असली आईपीएस मनोज और उनके साथ अल्मोड़ा की श्रद्धा। तो 12वीं फेल आईपीएस फिल्म के रियल हीरो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस श्रद्धा जोशी सोमवार को नैनीताल पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने सरोवर नगरी की खूबसूरत वादियों का भ्रमण कर आनंद उठाया। वन बुलपुरा हिंसा में जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। शहरों से हटेगा 15 वर्ष पुराना अतिक्रमण। उत्तराखंड में 22 से 25 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। तो पहाड़ों को अगले महीने से जंगल की आग और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पंतनगर विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह ने मंगलवार को बताया कि कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में 12 जून के आसपास प्री मानसून दस्तक देगा। इसके बाद 22 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून के पहुंचने की संभावना है। जागेश्वर में शटल सेवा का समय तय करने के लिए व्यापारी मुखर हुए। चारधाम यात्रियों को लुभा रहे बागेश्वर के कीवी। गरुड़ में अंदर से उड़ी कई घरों की छतें। पहली ही बारिश में टपकने लगी सरकारी स्कूल की छत। तो दुनिया से खबर रही है। तो जिले के सरकारी स्कूलों में भवन आज भी खस्ता हाल में हैं। दुनिया में लाइन पर पेड़ गिरने से बिजली गुल रही। किलकोट पंत कोटली में नहीं आई बिजली। अल्मोड़ा में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। राज्य में 200 साल से पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म होगी। भीमताल के जिलिंग स्टेट में निर्माण पर सुप्रीम रोक। बर्ड फ्लू 45 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सिपरा नदी में मलबा निकालेगा ठेकेदार। ओवरटेक करते पलटी मैक्स 18, श्रद्धालु घायल। तो टनकपुर से खबर रही है। रोडवेज के ब्रेक फेल, बाल बाल बचे यात्री और राहगीर। तो लोहाघाट से खबर रही है। पार्टी डिग्री कॉलेज में नए विषय खोलने की मांग की गई। गैस सेंटर से भरे वाहन में उठा धुआं, हड़कंप मचा। बदहाल डिग्री कॉलेजों से बेरुखी घर छोड़ रहे छात्र। राज्य में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। वर्दीधारी पदों के लिए एक समान होगी सारिक मानक। हरिद्वार में लिविन पार्टनर ने की थी महिला की हत्या।
तो शहर कोतवाली पुलिस ने हत्या के आरोपी दंपति को किया गिरफ्तार। मनसा देवी मार्ग की खाई में मिला था महिला का शव। लाखों की चोरी में 3 दिन बाद दर्ज किया मुकदमा। कंपनी में लगी आग 15 घंटे में पाया काबू। तो हैदराबाद से खबर है। उपनकर्मी बोले 5 माह का वेतन दिलाओ। चिकित्सक से छेड़छाड़ के में नर्सिंग अधिकारी गिरफ्तार हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी को दिए स्कूलों की जांच के निर्देश। तो देहरादून से खबर रही है। चक्राता में जल्द बनेगी दूसरी गॉड वैली। नकल कराने वाले डॉक्टर